हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज मैं दो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं, दो बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। पहली जो है आपकी रिटायरमेंट एज जो है जिसको 60 साल है उसमें बढ़ोतरी से रिलेटेड है। दूसरी जो है आपकी पेंशन नीति बदलने पर यानी पेंशन में बढ़ोतरी से रिलेटेड है। दोनों को दोनों न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़े अपडेट्स हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू आगे भी इसी तरीके से वॉच कर पाएंगे। केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। ये खबर मैं बता रहा हूँ जी न्यूज़ की तरफ से खबर आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ये प्रस्ताव यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम को भेजा गया है। इससे देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है और इसमें उम्र सीमा बढ़ाए जाने की बात की गई है। साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन की सुरक्षा उससे रिलेटेड बड़ी खबर है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है और स्किल डेवलपमेंट है जरूरी इन सब चीज़ों के लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति उम्र को बढ़ाना की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों को स्किल डेवलपमेंट भी बात की गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि अगर कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो कर्मचारी हैं स्पेशली उनकी अगर रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ अगर पेंशन की में भी बढ़ोतरी होती है तो ये कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन अपडेट्स लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।